चाहे आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, चाहे आप रिलीजियस हैं या नहीं हैं, ये वीडियो आपके लिए है और ये दिन भी आपके लिए है। जी हाँ, ये दिन है महाशिवरात्रि का। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ नेहा भाटिया। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू एट माय चैनल एंड स्पेशली द वंस हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब्ड। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ फटाफट से कर दीजिए ताकि आपको ये रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। वेल, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन वक्त पे वक्त चाहते हैं, यानी कि जो बढ़ोतरी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये दिन भी आपके लिए है। जी हाँ, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि है क्या बेसिकली? शिव कौन है? शिव इज़ एन एनर्जी। शिव इज़ एन एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यू नो, हमारी कुछ एनर्जीज़ होती हैं और जिस एनर्जी को हम फॉलो करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ और आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ख़ास तौर से इस दिन पर। तो मैं एक एक करके चीज़ें बताऊँगी और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लेट मिलती है तो ये आप जनरली भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अगली महाशिवरात्रि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत 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 ख़ास दिन है और स्पेशियस दिन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ आज के दिन में क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, महाशिवरात्रि बेसिकली है क्या? शिवरात्रि है क्या? शिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि। नाउ, चाहे आप, जैसे मैंने बताया, चाहे आप रिलीजियस हैं या नहीं हैं, ये वीडियो आपके लिए है कहीं ना कहीं, राइट? तो अगर हम ये भी भूल जाएं, अगर आपको नहीं मानना कि शिव भगवान थे नहीं थे, यू नो, मैं बहुत ओपन, बहुत अपफ्रंट होकर बात करूंगी यहाँ पर आपसे, लेकिन शिव कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो हम सब में है, है ना? हम ट्रांसफॉर्म होते हुए चीज़ों को देखते हैं, तो शिव वो एनर्जी है। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इवन साइंस के अकॉर्डिंग आज का दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और दिन नहीं, एक्चुअली रात। तो अक्सर जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिन में मनाए जाते हैं, एक्सेप्ट दिवाली जो कि थोड़ा बहुत रात को मनाई जाती है, लेकिन यही एक ऐसा एक फेस्टिवल है जो कि पूरी रात मनाया जाता है। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं शिवरात्रि पर, लेकिन आपको मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, आज के इस दिन में एनर्जी, ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई। तो देयर कुड बी चांसेस कि आप बहुत अनस्टेबल फील कर सकते हैं, देयर आर चांसेस कि आप बहुत ज़्यादा हाई भी फील कर सकते हैं। तो उसको इवन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। नंबर वन, आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत है। फास्टिंग यानी कि ऐसे नहीं कि पूरे दिन कुछ खाना ही नहीं है, नहीं, मैं आपको फास्टिंग के बारे में भी डिटेल में बताऊँगी। फास्टिंग यानी कि तीन तरह का खाना होता है जो हम कंज्यूम करते हैं। नंबर वन इज़ दी तामसिक फूड, जिससे आपकी एनर्जी लो होती है, यानी कि जैसे जो तेल में बना होता है या जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं, राइट, वो तामसिक फूड होता है, राइट। या अगर हम घर में भी बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डालते हैं तो उसको हम राजसिक फूड में कहीं ना कहीं लेकर आएंगे, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो दो फूड्स हैं, तामसिक एंड राजसिक। तामसिक जिसमें आपकी एनर्जी लो होती है, और रात से जिसमें आपकी एनर्जी ओवरली आप एक्टिव फील कर सकते हैं, बेसिकली अनियन। यू नो, अगर आप अनियन खाते हैं, अनियन इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव फील करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाह रहे हैं वो रेस्टलेसनेस की वजह से नहीं पा पाएंगे, राइट। सो अनियन बेसिकली रात्सिक फूड में आता है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आपको फास्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ सात्विक फूड का करिए। यूजली हम सात्विक फूड खाते हैं, बट जो ये दिन है इसमें अगर आप सात्विक फूड खाएं और बहुत कम खाएं तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगी और बैलेंस रहेगी, ठीक है ना। तो फास्टिंग, मैं बहुत सालों से फास्टिंग कर रही हूँ और ख़ास तौर से यू नो मंडे को मैं करती हूँ फास्टिंग, बट शिवरात्रि है आज, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं यू नो समंदर के आसपास रह रही हूँ कुछ दिनों से, और अगर आप जानते हैं मेरे बारे में, एक NLP ट्रेनर हूँ मैं, मेरा नाम नेहा भाटिया है, आपकी मेंटर, आपकी कोच, और आप जानते होंगे कि मैं हर एक दो महीने अलग अलग कंट्री या अलग अलग सिटी में होती हूँ। तो इस वक्त मैं यू नो आई एम हियर अराउंड द ओशन, क्लोज टू अ प्लेस
नियर गोवा, सो इट्स कॉल्ड गोकर्णा. तो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है ये. और बिकॉज आई लव स्विमिंग एज वेल, आई लव टू कनेक्ट विद नेचर, आई लव टू कनेक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. सो इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ. और यू नो मेरा 80% ऑफ माई बिजनेस इज डिजिटल, राइट? सो इस वजह से मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, फ्लेक्सिबल है मेरा काम. तो मैंने आज मॉर्निंग में ही फील करा, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द वेव्स एंड यू नो विंड, आई कुड जस्ट फील इट दैट आज कुछ एनर्जी बहुत अलग है, और ख़ास तौर से रात को, राइट? तो फास्टिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. दूसरी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है मेडिटेशन. तो अगर आपने लाइफ में कभी भी मेडिटेशन नहीं करी है, मेडिटेशन यानी कि ये नहीं कि इस तरफ आप बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें, वो भी आप कर सकते हैं. बट मैं यूजली जो रेकमेंड करती हूँ, अगर कोई बिगिनर है तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं. वो पर्टिकुलर चीज़ क्या हो सकती है? ऐसी चीज़ जो कि आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकती है. आप सनसेट देख सकते हैं, यू नो लास्ट 10 मिनट्स ऑफ सनसेट एंड या 15 मिनट्स, या सनराइज़ देख सकते हैं 10-15 मिनट्स. या अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है या कोई भगवान है जिनको आप मानते हैं, उनकी पिक्चर को अगर आप 10-15 मिनट तक देखें, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होने लग जाएगा. मैं बताऊंगी आपको कि क्यों मैं आपको ये सब चीज़ें करवाना चाह रही हूँ, ठीक है ना? दूसरी चीज़ हो गई आपकी मेडिटेशन, राइट? कोई भी चीज़ हो सकती है. आप एक मोमबत्ती की लौ को देख सकते हैं 10 मिनट तक. तो अगर आपको ये वीडियो आज रात को मिलती है, यानी कि 9-10 बजे से पहले पहले मिल जाती है, तो आप रात को भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं. मोमबत्ती की लौ को सिर्फ 10 मिनट देखिएगा और आपका मन बिल्कुल शांत होने लग जाएगा. मैं आपको बताऊंगी कि शांत होगा तो इससे फ़ायदा क्या है. क्या आज का ऐसा क्या दिन खास है कि अगर आप आज के इस दिन में अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो तो कैसे इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी, दूसरी चीज़ क्या हो गई आपकी? मेडिटेशन. तीसरी चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आज के इस दिन आप क्या चाह रहे हैं मैनिफेस्ट होना, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बदलाव लाना. कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में बदले, कुछ अच्छा चाह रहे हैं, या कुछ बुरे से अच्छा चाह रहे हैं, या कुछ अच्छे से और अच्छा चाह रहे हैं. तो आपको तीसरी चीज़ जो ध्यान देनी है, स्पेशली जब आप आज रात को मेडिटेशन करिएगा, क्योंकि ये रात्रि है तो मैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूँगी. तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप जो भी चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को चाहने की इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, राइट? आपकी जो भी इंटेंशन है वो पूरी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं. क्यों? क्योंकि आज की जो रात है उसमें एक अलग एनर्जी है. यू नो अगर आप देखें तो जितने भी लोग आज के दिन मंदिर जा रहे हैं या यू नो अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो सब कहीं ना कहीं सेंटर्ड हैं. मतलब आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी लोग मंदिर जा रहे हैं तो सबकी ही प्योर इंटेंशन है या सब प्योर हैं, नहीं, लेकिन सब कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं. तो आप बहुत सारे अच्छे एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं आज के दिन, राइट? ये हो गई तीसरी चीज़, राइट? नाउ द फोर्थ थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, कि आज के दिन आप पूरी कोशिश करिए और रात को भी ऑफकोर्स मेडिटेट करिए एंड यू नो बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक जिससे हमारी पूरी लाइफ रूल होती है और मैं अपनी वर्कशॉप्स में डिटेल में बताती हूँ, वो है कि आप आज के दिन साइलेंस को एक्सपीरियंस करिए. जितना शांत रहेंगे उतना ही ये एनर्जी बाहर चैनलाइज होने के चांसेस हैं. तो अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने पैसों में, तो देर आर चांसेस कि एक्चुअली देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाह रहे हैं, और अगर एक अच्छी इंटेंशन के साथ चाह रहे हैं, तो वो पूरे होने के बहुत बहुत हायर चांसेस हैं, राइट? और जो लास्ट चीज़ है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. अक्सर क्या होता है कि यू नो हम इंडिया में खासतौर से जागरण होता है, तो पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब कंपैरेटिवली कम होता है, बट अभी भी होता है जागरण, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और यू नो जागरण करते हैं, यानी कि भजन गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जागरण में, राइट? पर जागरण का असली जो मतलब है वो आज मैं आपको बता देती हूँ. जागरण शब्द निकला है जागृत से, यानी कि आपको आज रात को अपने आप को जागृत करना है, अवेकन करना है, और इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अपने आप को अवेकन कर पाएंगे, ताकि आप इस हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकें, इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें, राइट?
समझ रहे हैं आप इसका मतलब? शिवा हम किसे बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को, राइट? सो जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जो आप चाह रहे हैं वो तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप आज रात को मेडिटेट करें, जागृत हो जाएं अपने बारे में, आप चाह क्या रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट? सो आई वुड वॉन्ट यू टू डू ऑल दीज थिंग्स. और इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो चैंटिंग भी कर सकते हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं. अगर आप इतना भी फॉलो करें और इन जनरल भी अपनी लाइफ में फॉलो करें तो इससे आपका माइंड ट्रेन हो सकता है, रीप्रोग्राम हो सकता है. और ये दिन बहुत बहुत ऑस्पिशियस है एक ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए, राइट? सो अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहेंगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिए और मुझे कॉमेंट में लिखिए कि आप किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में. व्हाट आर यू विलिंग एंड व्हाट आर यू वांटिंग टू ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ. और लास्ट जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर आपने मेरी जितने भी वीडियोस देखी होंगी तो मैं अलग अलग जगह पर वीडियोस तो करती हूँ बट काफ़ी प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं, यू नो, विद अ प्रॉपर कैमरा एंड DSLR, राइट? सो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई. तो मैं हर फ्राइडे के बदले मैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या फिर वेंसडे और फ्राइडे आना चाहूँगी. So that, you know, because I have been getting lot of queries, lot of questions from people all over the world, and you know, I can just quickly get on the phone and come live or just make a video for my subscribers and for my family people, and you are my family, right? So please बताइएगा ज़रूर. और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन या इन जनरल भी अपनी लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू विल बी training and reprogramming your mind on Mahashivratri. So this is the Ratri of Shiv, yani ki puri raat agar aap meditate kare aur apni energy ko aur high kare, kyunki jaise maine bataya ki agar aaj jo energy hai wo bahut zyada high hai aur agar aap tab so gaye to kahin na kahin wo aapko itni helpful nahi hogi. To puri raat, aap puri raat bhi nahi but at least raat ke 2-3 ghante jaagiye, us energy ko feel kariye, connect with your intention, meditate and connect with what exactly you're willing to transform in your life, right? Kya aap transformation chah rahe hain? Please mujhe comment box mein likhiye. Aur agar aap transformation chah rahe hain to meri NLP workshops, meri meditation workshops bahut behtareen hai, bahut sare logo ko puri duniya bhar mein bahut fayde hue hain. Agar aap chahte hain ki aap apne life mein har roz ek next level ko touch kare jaise main kar rahi hu apne 12 saal ke spiritual experience ke zariye, to aap bhi kar sakte hain. Aur ye jo you know 12 saal ka jo ek experience hai spiritual experience khas taur se, ye main logo ko apni NLP workshops mein deti hu. NLP hoti hai but at the same time mera ek experience hota hai, right? So if you think that you really love this video, because I've just made it on the spot for you all and I thought why not let me check with you and only कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कितना ऑफन मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं और रेगुलर बेसिस पर और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, राइट? सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, फटाफट से कर दीजिए. और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं हर कुछ दिनों में, महीनों में अलग सिटी में, अलग कंट्री में होती हूँ, तो मैं उस जगह के ऊपर भी व्लॉग्स बना सकती हूँ विद विजडम एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस. सो इफ़ यू थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर यू, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड स्टे कनेक्टेड विद योर सेल्फ एज वेल. एंड अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड एंड अ प्रोग्रेसिव महाशिवरात्रि टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू सो मच.